बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, सीधे विजय चौक संसद के बाहर से लाइव। और आज संसद से बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सांसद की शपथ ले ली है। अब वो ऑफिशियली देश की सांसद बन चुकी हैं, वायनाड से जीत कर आई हैं, जबरदस्त उनको बहुमत मिला वहां पर। और इंटरेस्टिंग तस्वीर ये थी कि राहुल गांधी की जैसे ही बिल्कुल हाथ में वही लाल कवर वाली संविधान की कॉपी लेकर के उन्होंने शपथ ली है। तो अब ये एक तरीके का ट्रेंड कांग्रेस पार्टी के अंदर बन गया है। और प्रियंका गांधी तो खैर अपने भाई की बातों का अनुसरण तो वो करती ही, और उसके बाद जो कुछ हुआ और पहले जो तस्वीरें दिखाई दी, राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचे, सीढ़ियों पर चढ़ चुके थे, मीडिया बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था, प्रियंका गांधी के बारे में सवाल लेना चाह रहा था उनसे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहते कहां रह गई, अरे मेरे साथ ही तो चले थे लोग। तो फिर इतने में पीछे से गाड़ी आती है और उसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बैठी होती। अच्छा, राहुल गांधी के साथ शायद रॉबर्ट वाड्रा आए थे, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को उन्होंने अंदर भेजा पहले, और फिर पीछे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी खुद आई, शपथ हुई। अच्छा माहौल था। अब देश की संसद में लोकसभा और राज्यसभा में सोनिया जी पहले पहुंच चुकी हैं, राहुल जी पहले से थे, और अब प्रियंका गांधी भी आ गई, तो पूरा परिवार अब आपको देश की पार्लियामेंट में दिखाई देगा। मुझे लगा शायद जवाहरलाल नेहरू उस वक्त, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी, ये तीन एक वक्त में गांधी परिवार से पार्लियामेंट में हुए थे, उसके बाद अब ये मौका आ रहा है इतने वर्षों के बाद, दशकों के बाद, लेकिन पूरा गांधी परिवार अब आपको संसद में दिखाई देगा। सोनिया गांधी जब से राज्यसभा गई है तो उतना स्पॉटलाइट उनके ऊपर नहीं रहता है, ऐसे भी वो बहुत रेगुलर नहीं आती हैं, उनकी आयु का और थोड़ा स्वास्थ्य का इशू रहता है, लेकिन अब पूरा फोकस राहुल गांधी पर था, कहाँ बैठे हैं, कितना बोलेंगे, कैमरे पर कब आएंगे, पार्लियामेंट में घुसते हैं तो सारे कैमरे उनके ऊपर। अब प्रियंका गांधी भी आ गई हैं तो थोड़ा तो स्पॉटलाइट छीनेगी ही, किस हद तक ये हमको आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो ये पूरा सेशन बाकी है, इसी में काफी कुछ जो है वो तय हो जाएगा। आपको पहले मैं सुना देता हूं प्रियंका गांधी की शपथ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उनको उसके बाद बधाई दी है। जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन भी उनकी तस्वीर बड़े मुस्कुराते हुए खड़गे साहब के साथ आई थी, और आज भी उनकी वही तस्वीर आई है, आपको सुनाते हैं प्रियंका गांधी की शपथ। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली, और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज़ को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं, और खासकर महिलाओं के समस्याओं को वो उठाने में सक्षम हैं। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने, और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा, जनता को होगा, और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को होगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी तो गदगद होगी, खुश होगी प्रियंका गांधी वाड्रा संसद पहुंची, ये तो नॉर्मल है। और ये साहब बहुत खुश हैं, संजय राउत, उन्होंने अभी ट्वीट किया है, शेरनी संसद आ गई है। अभी मैं आपको खबर बता रहा था, क्या उद्धव ठाकरे बाहर आएंगे महाविकास अघाड़ी से, वो लिख रहे हैं शेरनी संसद आ गई है। अब जाने क्या पार्टी के अंदर उसमें क्या चल रहा है, लेकिन देवेंद्र बताएंगे उस वक्त का नजारा जब शपथ ले रही थी प्रियंका। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के हिसाब से बात करें तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, और वो रिएक्शन जो बाहर भी आके दिया, जैसे सोनिया गांधी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि मैं देश की सेवा करूंगी, पार्टी की सेवा करूंगी, तो कांग्रेस के नेताओं के भीतर बहुत उत्साह वाली चीज थी। और मैंने कई कांग्रेस के नेताओं से ये जानने की कोशिश की कि मजाक में है कि भाई आप किस खेमे में रहोगे, राहुल गांधी के साथ या प्रियंका गांधी के साथ। उनका यह कहना था कि ये सिर्फ जो, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मीडिया की उपज है, उनका यह कहना था कि भाई दोनों ही से जो जुड़े हुए लोग रहते हैं वो इस तरह के नैरेटिव फैलाते हैं, ऊपर तो भाई बहन बिल्कुल एक हैं और वो कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि खासतौर पर जब बड़े इश्यूज आएंगे तो वहां पर राहुल गांधी बोलते हैं, प्रियंका गांधी बोलती हैं, फिर वहां कंपेयर अपने आप में शुरू हो जाएगा। न्यूज वर्ल्ड के लिए ये नाम तो बड़ा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। कैमरे अब पहले किसको ढूंढेंगे? अब प्रियंका गांधी को, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी इस मामले में बहुत फ्रेंडली हैं भी, जैसे राहुल गांधी की तो आदत आपने देखी है ना कि वो तो कांग्रेस बीट कवर करने वाले रिपोर्टर से भी हेड ऑन करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कांग्रेस बीट कवर कर रहा है कोई 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से। बीजेपी का सवाल पूछ रहे हो, बिल्कुल। प्रियंका गांधी बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बाय नेम बात करती है, तो वो रेपो कहीं ना कहीं न्यूज में आपको काम आता है कि आप अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचा सकती हैं। तो वहां पर प्रियंका गांधी तय मानिए कि राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा लाइमलाइट प्रियंका गांधी रहे। कहाँ होंगी उनकी बैठने की व्यवस्था, आमतौर पर फर्स्ट टाइमर जो होता है, फर्स्ट टाइमर ज्यादा पीछे होता है, तो उसमें तो कोई ये नहीं है कि राहुल गांधी क्योंकि फ्रंट रो पे बैठेंगे और प्रियंका गांधी फर्स्ट टाइम आ रही है तो उनकी जगह काफी पीछे होगी।
बावजूद इसके उसमें यह रहता है कि कई सदस्य अगर चाहें तो सिर्फ बोलने के समय आपको अपनी सीट पर जाना होता है, बाकी समय आप बैठ सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आपको बोलना हो तो अगर स्पीकर से आपने अनुमति नहीं ली है तो आप अपनी सीट पे। जैसे अभी अवधेश प्रसाद जीते अयोध्या वाले समाजवादी पार्टी के फ्रंट रो में बैठा देते उनको राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने बीच, लेकिन अगर उनको अवधेश जी को बोलना होता तो वो फिर पीछे जाके बोलना। आपकी सेंस क्या है, प्रियंका गांधी नॉर्म्स के हिसाब से चलेंगी या भाई पार्टी में तो वो जो है वो ज्यादातर समय वो आगे ही बैठेंगी निश्चित तौर पर। हाँ, प्रियंका गांधी की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि वो बहुत दिन तक बैकफुट पर बैक सीट पे रहें, थोड़े दिन के अंदर आप देखना शुरू कीजिएगा। और जो कांग्रेस खेमे से पता चलती है जो बात, उसमें यह पता चलती है कि राहुल गांधी की तुलना में सत्ता पक्ष को लेके ज्यादा एग्रेसिव सोच प्रियंका गांधी रखती है। अच्छा, उसमें यह भी हमें बताया गया कि कई बार जब टेलीविजन वगैरह देखती हैं और कोई ऐसी चीज आए तो एकदम से वो हेड ऑन करने वाले स्टाइल में पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। तो अब पार्लियामेंट से बेहतर जगह उनके लिए क्या हो सकती है अगर ये सारी चीजें हों, और घर भी मिलेगा उनको अपने निश्चित होकर, लेकिन उसमें भी कुछ मानक होते होंगे। हाँ, वो पहली बार के सांसद का ही घर मिलेगा, उसमें ये नहीं है कि आपको कोई बड़ा घर मिले, सिक्योरिटी कंसर्न जरूर रहेगा, सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से उनको दिया जाएगा, लेकिन पहली बार के सांसद के हिसाब से ही। उसमें क्राइटेरिया होता है कि कितनी बार के आप सांसद हैं, उसके हिसाब से आपके घर की जो कैटेगरी है वो बढ़ती जाती है। तो प्रियंका गांधी को तो पहली बार अभी शायद ऐसा कुछ सुनने में आया कि वो शायद अभी दिल्ली में रह भी नहीं रही थी, गुड़गांव में रहती थी शायद, तो अब शायद वो दिल्ली अपना जो है ठिकाना दोबारा जो है शिफ्ट करना चाहे। ये हर्षवर्धन जी को हमेशा चिंता रहती थी कि प्रियंका जी को राहुल जी आगे नहीं आने दे रहे थे, आज शपथ हो गई ना, अब तो प्रसन्न है यार? नहीं नहीं, मतलब मैं तो राहुल जी के भी बड़ा प्रसन्न हूँ कि वो संसद में रहे हमेशा, लेकिन एक तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल जी की तरह वो एब्सेंट नहीं हों, मतलब जो पार्लियामेंट में रिकॉर्ड होता है ना कि भाई कितने प्रतिशत उपस्थिति रही, तो हम राहुल जी जैसी पुअर परफॉर्मेंस प्रियंका जी की नहीं देखना चाहेंगे, एक प्रसन्नता ये करें हमारे लिए भी देश के लिए भी एक सांसद के तौर पर। दूसरा, देखिए वैसे कहेंगे तो प्रियंका गांधी भी परफॉर्मेंस के तौर पर कोई ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत ऐसा उत्साहजनक नहीं रहा है, राहुल गांधी भी हार गए थे, उनके प्रभारी रहते हुए हार गई थी अमेठी, लेकिन 20 वर्षों से वो पीछे पीछे से काम करती रही, अब वो फ्रंट पर हैं। राहुल गांधी 20 वर्षों से फ्रंट पर रहे चाहे जो रहा हो, तो मेरा ये मानना है कि अब प्रियंका का एक स्वाभाविक अधिकार बनता है एक नेतृत्व के तौर पर। कांग्रेस पार्टी के अगर इस लिहाज से देखें कि भाई एक लॉन्च बार बार हो रहा था प्रयोग के तौर पर भी, तो कुछ नयापन के तौर पर भी देखें, तो मेरा यह मानना है कि प्रियंका को वो अवसर मिलना चाहिए। और मतलब मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र में किसी के बारे में पूर्वाग्रह दुराग्रह से नहीं चलता है, जनता अगर कनेक्ट करने लगे, हालांकि उनको साउथ से सांसद बनने का अवसर मिला है, जनता कनेक्ट करने लगेगी तो उसका प्रभाव आपको देखने लगेगा, और इश्यूज पर वो क्या बोल रही हैं इसकी प्रतीक्षा सब करेंगे। आप सोचिए मणिपुर जैसे विषय पर राहुल गांधी को अवसर मिला था, सब हर कोई कह रहा था गौरव गोगोई बहुत अच्छा बोले और राहुल गांधी उस मौके को चूक गए, तो ऐसा प्रियंका नहीं करेंगी ये हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, वैसे उनकी जीत भी बड़ी धमाकेदार रही है, राहुल गांधी से ज्यादा मार्जिन से वायनाड से इस वक्त वो इस बार जीत करके आई है, 6 लाख से ऊपर उनका जीत का जो है वो मार्जिन रहा है। तीनों सदस्य गांधी परिवार के, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अब तो फुल हाउस है पार्लियामेंट के अंदर। मनोज जी, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जैसे हर्षवर्धन जी ने बातों को बढ़ाया उसी को मैं और आगे बढ़ाता हूँ कि क्या था कि सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में अधिक कहीं थी कांग्रेस, तो हिंदी बेल्ट से थी लेकिन ये साउथ से जीत कर आ रही है, लेकिन अपने सारे मैंने लगभग ये अपने भाषणों को हिंदी में करती हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं और हिंदी बेल्ट में इनको ज्यादा सुना जाता है, तो कम से कम ये उम्मीद किया जा सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए ये हिंदी का उपयोग ज्यादा करेंगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो और हिंदी बेल्ट में अपनी कैसे पकड़ बनाई जाए इस पे करें। दूसरी बात है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर राहुल की उपस्थिति को लेकर खटकता था, शायद उस कमी को ये पूरा 51% उनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट में भी मुझे बताया गया जी। हाँ। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये प्रियंका उसको कवर करने की कोशिश करेंगी और कोशिश ये भी करेंगी कि बड़े मुद्दे हैं जिस पे राहुल नहीं बोल पाते थे उस पे ये अपना विचार रखें और कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करने के लिए, और इनका फोकस तो हिंदी बेल्ट ही होगा। अब एक सिबलिंग राइवलरी जैसी बातें तो अक्सर चलती थी, भाई दोनों के कैंप बटे हुए हैं, उनमें नेता अपने अपने हैं, पुश करते रहते हैं, ऐसा देवेंद्र बता रहे थे कि भी कांग्रेस के ये मान रही है कि हाँ इनके लोग जरूर कुछ डिवीजन क्रिएट करते थे बाकी भाई बहन के बीच में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भी, कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन अब वो कैंप और मुखर होंगे। समीर जी, बिल्कुल निश्चित रूप से, वैसे भी प्रियंका गांधी जब से राजनीति में सक्रिय हुई थी, हालांकि वो सांसद नहीं बनी थी, ये कांग्रेस के अंदर एक वर्ग बोल रहा था कि प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन राहुल गांधी चूंकि पार्टी के बड़े चेहरा थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, सोनिया गांधी नहीं चाहती होगी कि राहुल गांधी के ऊपर वो प्रियंका गांधी आगे बढ़े, अब वो सांसद बनकर आई है। लेकिन देखिए कांग्रेस का एक दुर्भाग्य रहा है, उत्तर भारत की इतनी बड़ी पार्टी रही है वो,
लेकिन अब इंदिरा गांधी को भी जब रायबरेली से चुनाव हार जाती है तो चिकमंगलूर जाना पड़ता है लोकसभा लड़ने के लिए, कर्नाटका जाती है। सोनिया गांधी को भी जब पहली बार लोकसभा जाना पड़ता है तो वो बेल्लारी से चुनाव लड़ती है। राहुल गांधी को लगता है कि वो अमेठी से चुनाव हारेंगे तो उन्हें वायनाड साउथ में जाना पड़ता है केरल के अंदर। प्रियंका गांधी को भी लगता है कि लोकसभा जाना है तो वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है जब 2024 का होता है, वह इंतजार करती है राहुल गांधी कमेटी से जीतने का और उसके बाद फिर वो वायनाड से जहां राहुल गांधी जीतते वहां जाती है। तो ये बता रहा है कि देखिए उत्तर भारत में कांग्रेस की स्थिति क्या है कि गांधी परिवार खुद इस कंफर्टेबल नहीं है कि वो खुद वहां से उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से चुनाव जीत सकते हैं। ये बताता है कि उत्तर भारत में कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है। अब वो केरल से राहुल गांधी सांसद है, अब सोनिया प्रियंका गांधी वायनाड सांसद बनी है। अब ये देखना होगा कि केरल से सांसद बनने के बाद 2026 में केरल के विधानसभा चुनाव है तो देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी से बनने के बाद कांग्रेस वहां सरकार बनाने की स्थिति में आती है। चौथे की तैयारी कर लीजिए अभी, क्योंकि कल फिर कह दिया रॉबर्ट वाड्रा ने कि लोग चाहते हैं कि मैं आऊं तो मैं भी आऊंगा जल्दी। नहीं, वो तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुझे लगता है वो राज्यसभा प्रेफर करेंगे, वो चाहेंगे कि मुझे पार्टी कहीं राज्यसभा से भेजे। तो मुझे लग रहा है कि प्रियंका गांधी जरूर हिंदी में बोलती है लेकिन हिंदी में बोलने से ज्यादा बेहतर होगा कि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, पार्टी इस दिशा की ओर काम करे। हालांकि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, काम तो वो सभी कर ही रही थी पार्टी के लिए पहले, बस ठीक है कुछ उनके पास पद नहीं था, नहीं तो सारे झगड़े सुलझाने का काम उनके पास ही था। नहीं तो सिर्फ झगड़े ही सुलझाओगे संगठन कैसे मजबूत होगा? आपको दिया, आपने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कंपनी चलाया, पार्टी की विधानसभा में क्या हालत रही, लोकसभा में आप समाजवादी के साथ मिलकर कुछ सीटें जीत रहे हो, 9 सीटों में समाजवादी पार्टी आपको एक सीट देने को तैयार नहीं है और आज अभी स्थिति में नहीं उत्तर प्रदेश में कि आप अपने दम पर 5 सीटें भी वहां लोकसभा के जीत सके। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तर भारत में कांग्रेस पूरी तरीके से साफ होती जा रही है, दक्षिणी उनके लिए एकमात्र विकल्प है। वो इस पर फिर जरा दो चीजें हैं, एक तो ये कि हम में से कोई नहीं कह रहा है कि प्रियंका और राहुल लड़ रहे हैं, वरना प्रियंका इतने समय से कुछ तो प्रतिकार करती, तो इसमें कोई संदेह नहीं, भाई बहन में बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। लेकिन प्रियंका पक्ष के लोग पिछले 10 वर्षों से घुटन महसूस कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और बाकायदा आप उनसे ऑफ कैमरा पूछिए, वो डिटेल में बताएंगे कि कहां कहां राहुल गांधी को रिएक्ट करना चाहिए था, नहीं किया। अब वो खबरें मीडिया में आपको और मिलेंगी, नंबर एक। नंबर दो, ये प्रियंका के लिए जरूरी सलाह जैसा भी है, और मैं ये कांग्रेसियों के जो मेरी बातचीत है उसके आधार पर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में प्रियंका के आंख कान नाक जो लोग हैं वो कांग्रेस का बुरा कर रहे हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इसी वजह से कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, ये वहां के कांग्रेसी कहते हैं। राहुल जी के क्लोज वाले बहुत बढ़िया कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। नहीं, राहुल जी के क्लोज वाले जो कर रहे हैं उसका तो परीक्षण रोज हो रहा है, अब चूंकि ये अभी आएंगी तो इसकी चर्चा होगी और उनका नाम लेके कहा जाता है कि प्रियंका से बात करना भी मुश्किल हो जाता है अगर आप किसी ऐसे विषय पर बात करना चाहते, तो विशेष करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ। जरा हेमंत सोरेन की बात करें, आज वो शपथ लेने वाले हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और जो कारनामा उन्होंने कर दिखाया कोई और नहीं कर पाया झारखंड में जब से राज्य बना है, दूसरी बार सरकार लेकर के आना, चौथी बार सीएम बनना, उनकी ताजपोशी के वक्त देखिए और कौन वहां पहुंचता है। लेकिन रंग में भंग ये हो गया कि वो आपको मंच तो हो सकता है बहुत भव्य दिखाई देगा, मोराबादी ग्राउंड है रांची का, वहां पर शपथ होगी, लेकिन शपथ लेने वाले अकेले के हेमंत सोरेन नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस नहीं तय कर पा रही कि वो किसको मंत्री बनवाए वहां पर अपने कोटे में से। सब लोग नेता जो है दिल्ली की दौड़ लगाए हुए हैं कि हमारा नंबर लग जाए, किसी तरीके से हमारा नंबर लग जाए, और विधायक दल का नेता भी अभी तक कांग्रेस पार्टी का नहीं चुना गया, जबकि नंबर अच्छे खासे 16 विधायक जीत करके आए उनके इस बार। काफी इंटरेस्टिंग है कि वो नहीं ले रहे हैं, और आपको बता दूं कि जितना मैं हेमंत सोरेन को जानता हूं और जितना उनको देखा हूं समझा हूं, हेमंत सोरेन कांग्रेस के धमकी के आगे कभी भी नहीं झुकेंगे। जब उनकी सरकार खतरे में थी, कांग्रेस के एक भी विधायक हट जाए तो उनकी सरकार गिर जाए, उस समय भी तो कांग्रेस को नहीं अहमियत देते थे, तो इस समय भी नहीं देंगे। कांग्रेस को समय देंगे कि आप अपना चुनाव कीजिए, अधिक कांग्रेस नहीं मानती है और किसी तरह का उनके अंदर का तो ये अपना मंत्रिमंडल खुद गठन करेंगे। दबाव क्या है कांग्रेस का, ज्यादा मंत्री पद लेने का? ज्यादा मंत्री के नहीं, उनके अंदर ये है कि किसको मंत्री लिया जाए, चूंकि सबसे ज्यादा खतरा कहीं यदि है तो वहां पे है कि उनके विधायक कब कहां चले जाएं, ये संभाल पाना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पुराने जो थे जो विरोध कर किया था उन्होंने वो सरकार से बाहर हो गए, यानी चुनाव हार चुके हैं, कुछ जीत कर आए हैं जो पुराने मंत्री थे, तो वहां पे ऐसी स्थिति बनी है कि कहीं न कहीं जेएमएम के अंदर दबाव नहीं है और दबाव जो है वो कांग्रेस के अंदर में है और पार्टी के अंदर में है, उनके विधायकों के अंदर में है। जहां तक रही बात की ये जीत कर आना इतने बड़े बहुमत के पास, ये अगर काफी चर्चाएं इस पे हो गई है, लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने जो स्कीम लेकर आए थे जो गवर्नमेंट स्कीम था महिलाओं का मैया सम्मान योजना, उसका इलेक्शन में काफी, मेरा फर्स्ट डे से खास जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2019 में आजसू को समझने में देरी की, शायद 2024 में उससे वही गलतियां जयराम महतो को समझने में हुई है, और वो हार टोटली मैया सम्मान योजना के कारण नहीं है, ये टोटली हार जो है जयराम महतो के कारण हुई है, और 17 सीटों पर
आसू ने तो 12 सीटों पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार जयराम महतो ने 17 सीटों पर उनको चुनाव हरवाया है। और कांग्रेस के जो लग रहा था कि ये हार जाएंगे, और यही जयराम महतो के कारण वो विधायक फिर दोबारा जीत कर चले आए। अरे एक चर्चा जरा इस पर छोटी सी हो जाए, इंडिया गठबंधन जैसा आप कुछ बचा है क्या भाई? ठीक है, वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था 24 के लिए, उसके बाद क्या वो डिफंक्ट हो गया या है अभी कुछ स्ट्रक्चर बरकरार? कहने को सिर्फ बरकरार है। अदरवाइज आप देखें ममता बनर्जी का जो स्टैंड, अगर टीएमसी के लोग ये पब्लिकली कहना शुरू कर दें कि अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं रोक सकती, ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसको सौंप देना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि फिर अंदर खाने क्या स्थिति है। तो वो सिर्फ कहने को चीजें हैं। दूसरी चीज की जो झारखंड में सौरभ आप बात कर रहे थे, कांग्रेस खेमे के अंदर इस बात को लेकर असंतोष है कि राहुल गांधी ने पुश नहीं किया कि डिप्टी सीएम हमें झारखंड में हमारा होना चाहिए। और अच्छा, आज कांग्रेस का डिप्टी सीएम होना चाहिए। अगर आप सारे बड़े नेता वहां जा रहे हैं, खासतौर पर तब शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री अगर जेएमएम का तो डिप्टी सीएम कांग्रेस का होना चाहिए? और ये हमारी चूक ऐसी होती है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता। ये कांग्रेस के भीतर ये सोचिए तो वो तो समझ में आता है कि शायद राहुल गांधी अभी भी उस रूप में होमवर्क नहीं कर पाते, उस रूप में ये तो उनके स्ट्रेटेजी बताएंगे ना उनको कि साहब हमको वहां ये मिल सकता है भाई, ये करना चाहिए। पुश करिए तो लीडर को समझ में आना चाहिए ना कि भाई आप जा रहे हो शपथ ग्रहण समारोह में, आपकी पार्टी गठबंधन के तहत सरकार बन गई, आपके नंबर्स भी अच्छे हैं, और उस कंडीशन में आप डिप्टी सीएम के लिए पुश भी नहीं कर रहे हो, तो फिर कहां से आपकी पार्टी मजबूत होगी? तो ये असंतोष आज, मैं आज की बात बता रहा हूँ कि ये बहुत मुखर तौर पर कांग्रेस पे कहा गया और बड़े लेवल पे कहा गया। नहीं, लेकिन एक चीज बता दूं सौरभ जी कि ये जो उप मुख्यमंत्री की बात है, 2009-10 में जब जेएमएम की सरकार बनी थी, हेमंत सोरेन जब सत्ता में आए थे, तो उन्होंने कांग्रेस की इस दबाव को पूरी तरह से नकार दिया था कि मैं किसी को भी डिप्टी सीएम नहीं दूंगा, और विभाग के ऊपर भी ओढ़े रहे, और उन्होंने कहा कि आप समर्थन वापस लेना चाहते तो ले लीजिए, सरकार मेरी नहीं आपकी भी जाएगी। तो यहां वो कांग्रेस को पता है कि वो अपने स्टैंड पर खड़ा है। अहमद पटेल ने दो दो बार उनको बुलाया था अपने पास और कहा था कि आप कम से कम डिप्टी सीएम दे दीजिए, विभाग का हम लोग बाद में सोचेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन वहां से झुकते हुए नजर नहीं आए थे।